आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। जिले के धर्मनगरी राजिम के साहू छात्रावास परिसर में आयोजित भक्त राजिम समिति के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के पद ग्रहण समारोह ताम्रध्वज साहू गृह संस्कृति और पर्यटन मंत्री के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू और राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने साहू समाज के आराध्य देवी भक्त माता कर्मा की विधिवत पूजा अर्चना कर आयोजन की शुरुआत की। साहू समाज के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए मंत्री ने समाज का नाम प्रदेश में रोशन करने की अपील की। सैकड़ों महिला पुरुषों और साहू समाज के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, साहू समाज प्रदेश में सबसे बड़ा समाज है। समाज की एकता अखंडता को बनाए रखने, अन्य समाज को भी बढ़ावा देकर समरसता की मिसाल कायम करने समाज के पदाधिकारियों को प्रेरित करें। समाज के लोगों के द्वारा मुख्य अतिथि और विधायक अमितेश को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। की समिति के शपथ कार्यक्रम में थे हम लोग, और निश्चित रूप से एक ये मुझे परिवार जैसे स्नेह और प्रेम देते हैं, और निश्चित रूप से स्नेह और प्रेम में सदैव याद रखता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे अपना परिवार के ही समझते हैं और बहुत प्रेम स्नेह देते हैं। तो जो भी होता है वो एक परिवार के रूप में मुझे जहाँ भी कोई बात उठानी हो या कोई काम करना हो तो मैं कर पाता हूँ, और मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ साहू समाज का कि उन्हें सदैव विकास को हर मुद्दा रखा कि कौन परिवार के सदस्य के रूप में उनका विकास कर रहा है। यही चीज़ श्याम बेग समय थी, यही चीज़ मेरे साथ है। युवा लोग जो हैं वो भी विकास को देख रहे हैं, ये बहुत ही एक खुशी की बात है। मैं उनको बारंबार बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। गरियाबंद से जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।